والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمة اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وجود نازلين ذي الجود إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف حضرت في سلامتي ظهور من تعجيل اور آپ سب اپنی سلامتی علماء کرام جامع اعظام کی سلامتی آپ سب اپنی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات ہے سب سے پہلے آپ تمام
तमाम हज़रात की खिदमत में, क्योंकि अय्याम आज़ा ये फ़ातिमिया सलामुल्लाहि अलैहा नज़दीक हैं, तहज़ियत पेश करता हूँ। उलमाए किराम से इजाज़त तलब करता हूँ। यकीनन मेरे लिए बहुत सख्त मरहला है। उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, बिलख़ुसूस अल्लामा आज़ा साहब क़िबला अता फरमाएँ, उनका साया हमारे सरों पर क़ायम दायम रखे। क़िबला की खिदमतें और क़िबला की काविशों से आप तमाम हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं, मेरे ख्याल से आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। खुदा इन जैसे तमाम उलमा को सलामत रखे और हमारे सरों पे सरपरस्ती कायम दायम रखे। सलावात पढ़े मोहम्मद। और हमारे अज़ीज़ान भी तशरीफ़ फरमाएँ, मौलाना करार साहब आपको सलामत रखे, मौलाना नावेद साहब फिलहाल मेरे ख्याल से चले गए हुए, मौला सबको सलामत रखे। उलमा की सलामती के लिए बाबा से बैलेंस सलावत। बगैर किसी खास मुकदमा हज़रात के सामने चंद मअऊज़ात पेश करने हैं। यकीनन क़ुरान मजीद की मशहूर व मारूफ आय करीमा की तलावत का शरफ हासिल किया कि मुफस्सरीन क़ुरान जिस आयत को आयत निफ़्र कहते हैं, यानी एक ऐसी आयत के जिससे इल्म का वजूब होना साबित होता है। बाज़ अफराद पर इल्म वाजिब है कि वो सीखें और सीखने के बाद अपनी कौम की तरफ पलटें ताकि वो हिदायत कर सकें। एक छोटी सी बहस आप हज़रात के सामने बेअनवान मुकदमा पेश करूँगा, फिर यकीनन एक कदीये की तरफ और चंद मालूमात की तरफ आप हज़रात को लेके चलूँगा। इस आय करीमा में अगर बहस की जाए तो उसका नतीजा ये निकलता है तफक्कुह फिद्दीन वाजिब। अब ज़्यादा इस पर बहस नहीं करूँगा, बस नतीजा आप हज़रात के सामने समझ में ये आता है कि फ़कीह सिर्फ उसे नहीं कहते जो फिक्ह उसूल में महारत हासिल करे, सिर्फ उसे फ़कीह नहीं कहते, बल्कि खुदा बंदे मुताल का इरशाद गिरामी है कि फ़कीह उसे भी कहते हैं जो दीन के तमाम उमूर पर मुसल्लत हो। अब उसमें सिर्फ फिक्ह उसूल नहीं है बल्कि उसूल एतकाद भी है, माद है, इमामत है, नबूवत है, तौहीद है। और यही वजह है आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी मीलानी खुदा उन्हें हिफ्ज़ रखे, जिन्होंने बहस इमामत पे बहुत काम किया, एतकाद पे बहुत काम किया। ये जो अबाकातुल अनवार मीर हामिद हुसैन साहब की हमारे दरमियान जिंदा व जावेद है, तो यकीनन खुदा बंदे मुताल ने महफूज रखी, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा रोल आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी मीलानी साहब, जिन्होंने उस किताब को बारहा ईरान से छाप करवाया और हम तक पहुँचाया। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी मीलानी फरमाते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए फ़कीह उसे कहते हैं जो इल्म उसूल व इल्म फिक्ह में तसल्लुत रखता हो उसे फ़कीह कहते हैं, इसी तरह से उसे भी फ़कीह कहा जाता है जो इल्म इमामत में तसल्लुत रखता हो, जो एतकाद में तसल्लुत रखता हो। क्योंकि खुदा बंदे मुताल ने इस आय करीमा में अगर आप गौर करें तो तफक्कुह फिद्दीन फरमाया। जाहिर सी बात है दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ इमामत, नबूवत, माद सारी चीज़ें शामिल हैं। तो समझ में ये आता है कि फिक्र का दायरा महदूद नहीं है बल्कि वसी है। अब आते हैं फिक्र की तरफ। जाहिर सी बात है जब ये तमाम चीज़ें फिक्र में शामिल हैं तो एहकाक हक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा भी आईन है। जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा का हक साबित करना यकीनन एक फिक्री मसला है, आईने फिक्र कि जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा का हक लोगों के दरमियान पेश किया, जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की हक मारिफत लोगों के दरमियान बयान की जाए, जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की हक मारिफत और कौन है मारिफत कोई इंसान हासिल नहीं कर सकता, किसी के बस में नहीं कि वो जनाब सैयदा की कौन है मारिफत हासिल कर सके। भाई खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है, और वो ऐलान क्या है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम दर्क नहीं कर सकते लैलतुल कद्र है। और जाहिर सी बात है माशाल्लाह से उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमाए, छठे इमाम खूबसूरत अल्फाज़ में फरमाते तो बेपता है
जानते, तुम्हें पता है ये लैलतुल कद्र कौन है? ये जो लैला है ये हमारी जद्दा की जात फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि ये लैला हमारी जद्दा सैयदा है और ये कद्र खुदावंद मुतआल है जिसने जनाब सैयदा की मारिफत हासिल कर ली, गोया उसने लैलतुल कद्र को पहचान लिया। अब जिस तरह लैलतुल कद्र का पहचानना मुहाल है, ठीक उसी तरह जनाब सैयदा की मारिफत हर कसो नाकस में नहीं आ सकती। अब ऐसा भी नहीं है कि हम जनाब सैयदा की मारिफत बिल्कुल रखते ही नहीं, अगर मारिफत हासिल की जा सकती है लेकिन उसका तरीका है, तरीका यह है कि उनसे मारिफत हासिल करेंगे जिन्होंने अपनी जद्दा को पहचाना हो। सैयदा को पहचाना जा सकता है लेकिन किससे पहचान सकते हैं? अहले बैत अतहार। अब जिन्होंने जनाब सैयदा की जात को पहचाना तो उन्होंने बात वाज़ह करते हुए ये अल्फाज इरशाद फरमाए, तुम्हें पता है जनाब सैयदा का नाम फातिमा क्यों है? सुमियत फातिमा फातिमा लान الخلق فطموا عن كل معرفتها। तुम्हें पता है जनाब सैयदा का नाम फातिमा क्यों है? क्योंकि मखलूकात हकीकी मारिफत से रुकी हुई है, यानी मखलूकात जनाब सैयदा की हकीकी मारिफत हासिल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मारिफत सैयदा के हवाले से चंद जुमलात आखिर में अर्ज करूंगा, बस एक फिकही मसला आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इब्तिदा में बयान कर दिया था कि अहकात हक फातिमा फिकही मसला है, फिकही मसला है। जिस तरह से हम फिक्ह में इस्तदलाल करते हैं वैसे ही हम अहकात हक फातिमा में इस्तदलाल करेंगे। कैसा इस्तदलाल? फिकही। माशाअल्लाह से सही है बुखारी हम सब जानते हैं, अहले सुन्नत बरादरान अमल करते हैं, उनके नजदीक सबसे मोतबर कुरान के बाद सही है बुखारी है, जुमला सही है बुखारी में मौजूद है और मशहूर मारूफ और मोतबर रिवायत है, सही सनद मशहूर है। بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني। बस थोड़ी सी तवज्जुहात का ताए, फातिमा मेरा पारेतन है, मेरा गोशा है, मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये एक हदीस सही है बुखारी में मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस मैं इस्तदलाल फिकही आप हजरात के सामने बयान कर रहा हूं, यह हदीस माशाल्लाह से आप हजरात ने सुन ली, कहां मौजूद है? सही है बुखारी में। अब अहले सुन्नत की दूसरी किताबों में जाएं तो एक रिवायत और आपको मिलेगी, इन अल्लाह यरदा लिरदाकी व यगदिबु लिगदबिक। रसूल गिरामी ने फरमाया ए फातिमा खुदा आपकी रजा पे राजी है, आपके गजब में गजबनाक है। ये दो हदीसें, दो हदीसें, क्योंकि उलमा हजरात तशरीफ फरमाए यकीनन बेअनवान इस्लाह आप हजरात के सामने बयान करें। दो हदीसें, पहला फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को परेशान किया गोया उसने मुझे परेशान किया, गोया उसने खुदा को परेशान किया। एक हदीस जो सही है बुखारी में मौजूद है। दूसरी हदीस फातिमा की रजा अल्लाह की रजा, फातिमा का गजब अल्लाह का गजब, यानी जिससे फातिमा राजी हो जाए उससे खुदा राजी, जिससे फातिमा नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज। बस तवज्जुहात का तालीम। अब आइए इसी रिदाए फातिमा और गजब फातिमा या अल्फाज को बदलू, रिदाए खुदा और गजब खुदा पे गुफ्तगू करता हूं।
खुदा का गज़ब क्या है और खुदा की रजा क्या है। आपने खुदा की रजा के हवाले से माशाल्लाह से बयानात भी सुने होंगे, मजलिसें भी सुनी होंगी। खुदा की रजा के हवाले से बस एक जुमला कहना काफी है कि इंसानियत का तकामुल खुदा की रजा की, खुदा की रजा में है इंसानियत का तकामुल। हम जो भी काम करते हैं अपनी जिंदगी में, मिसाल के तौर पे हम अभी मजलिस पढ़ रहे हैं और मजलिस के बाद जब कोई आया और आने के बाद कहता आपने बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी, तो हम सिर्फ 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 यही जुमला कहते हैं कि बस खुदा कबूल कर ले, खुदा राजी हो जाए, अहले बैत राजी हो जाए। और इसी तरह से अगर बानियान से कोई कहे कि आपकी मजलिस बहुत अच्छी हुई और बहुत सारे उलमा तशरीफ लाए, तो बानी भी यही कहेगा कि बस अल्लाह राजी हो जाए। समझ में ये आता है कि हमारे सारे उमूर फकत व फकत इसलिए है ताकि खुदा राजी हो जाए, मसला समझ रहे ना। अच्छा और वाज़े करता चलूं, जनाब मूसा से खुदा बंदे मुताल ने अर्ज किया, जनाब मूसा ने खुदा से फरमाया, परवरदिगारा क्या तेरे नजदीक कोई ऐसा बंदा है जिसे तुम मुझसे ज्यादा प्यार करता हो, चाहता हो, मोहब्बत करता हो। खुदा ने फरमाया हाँ एक बंदा है जिसे मैं बहुत शदीद इश्क फरमाता हूँ। अब जनाब मूसा में इश्तियाक पैदा हुआ, आखिर वो बंदा है कौन जिससे खुदा इतना प्यार करता है। कि हाँ एक बंदा है। जनाब मूसा ने खुदा बंदे मुताल की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारा उस बंदे से हमें भी मिलवा दीजिए। जबराइल आए, जबराइल ने फरमाया चलो हम आपको मिलवाते हैं। चलने लगे, दरिया पार की, एक सहरा आया। सहरा में जब जनाब मूसा पहुंचे तो वहां एक बंदे खुदा नजर आया जिसके कपड़े फटे हुए और दुनिया की सारी बीमारियां उसके अंदर हैं, बरस की बीमारी, जहनी बीमारी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लंगड़ा है, और नमी तना जितनी भी बीमारी थी वो सारी उस बंदे खुदा के अंदर है। ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, बस सहरा में बैठा है। अब जनाब मूसा ने जब उसकी तरफ देखा तो जनाब मूसा ने तसव्वुर किया हाँ ये क्या होगा। जब जनाब जबराइल से अर्ज किया कि कहाँ है वो बंदा, अजब नहीं, जनाब जबराइल ने फरमाया वो बंदा कि जिससे मुलाकात के लिए खुदा ने मुझे भेजा है वो यही बंदा है। अब जनाब मूसा कश्मकश के, ये बंदा जिससे खुदा मुझसे ज्यादा प्यार करता है, कि इस बंदे में ऐसी खास सिफत क्या है। मैं रज़ाए इलाही समझा रहा हूं कि इस बंदे में खास सिफत क्या है। जनाब जबराइल ने फरमाया थोड़ी देर रुकिए, सब्र कीजिए, खुद ही मुलाहदा फरमाइए, देखते हैं क्या देखते हैं कि उस बंदे खुदा की थोड़ी देर के बाद आंखों की रोशनी चली गई, जिसके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा परेशानियां हो, जो इतना ज्यादा परेशान हो उसकी आंख भी चली जाए तो जाने क्या माहौल होगा, क्या मंजर होगा और क्या कैफियत होगी। अब जैसे ही उसकी दोनों आंखें खराब हुई उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया और खुदावंद मुताल की बारगाह में फरमाया परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र, कम से कम मेरी नफस तो बाकी है, तेरा शुक्र कम से कम मेरी सांस तो चल रही है। अब जनाब मूसा ने जब ये देखा तो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि इतना ज्यादा सब्र, रज़ाए इलाही पे इतना राजी। जनाब मूसा उसके पास गए, क्या मुझसे तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती, कहो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करें और तुम्हारी आंखें पलटा दें। अजब नहीं, उस बंदे खुदा ने जवाब दिया कि मूसा ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन यकीनन खुदा की कोई ना कोई मसलहत है जिसकी वजह से खुदा ने मेरी दोनों आंखें छीन ली। खुदा की मसलहत पे, खुदा की कदा पे राजी हूँ, खुदा की कदा पे राजी। तो खुलासा ये मैं क्या समझा रहा था, रज़ाए इलाही इंसानियत का तकामुल खुदा की रजा के लिए। और यही वजह है, मैं मुकदमा बयान कर रहा हूँ अहकाक हक फातिमा का, गौर फरमाइएगा।
यही वजह है। अगर आप करबला में जाएं, इमाम हुसैन की सबसे बड़ी कामयाबी पता क्या है? इमाम हुसैन का सबसे बड़ा राज कि जिसकी वजह से खुदावंद मुताल ने अपनी मर्जी इमाम हुसैन के हवाले की, और ये जो फजीलतें देखते हैं, इमाम हुसैन जिसको चाहे जन्नत में लेके चले जाए, और इमाम हुसैन में जो एक कतरा आंसू बहाए उसके लिए जन्नतें, और जो इमाम हुसैन के लिए एक कतरा आंसू बहाए तो खुदा उसके तमाम गुनाह महव कर देता है। इस तरह की अहादीस जब सुनिए तो अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, फौरन ना कहिए कि भला मौलाना साहब आए और एक कतरे में जन्नत बेच के चले गए। सब्र करें आवाजन, खुदा ने इमाम हुसैन को मनसबे रज़ा अता किया है। एक छोटी सी मिसाल देता चला, हमारे उस्ताद मुहतरम बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाते फरमाते इन्नल्लाह तबारक व तआला يعامل مع قضية الحسين معاملة استثنائية کہ خدا بند متعال روز محشر یہ جو امام حسین کا قصہ ہے نا جس میں ماتم ہے مجلس ہے نوح خانی ہے سینہ زنی ہے گریہ ہے لبن زنی ہے یہ جو امام حسین کا قضیہ ہے نا اس قضیے میں اس قصے میں خدا ایک جدا ڈیل کرے گا جدا معاملہ کرے گا जुदा मुआमला मुमकिन है। बाज हमारे बच्चों के समझ में ना आए कि भाई जुदा मुआमला क्या है, ऑलरेडी खुदा जुदा मुआमला कर चुका है इमाम हुसैन के किस्से में। बस थोड़ा सा तवज्जो कर, इंशाल्लाह समझ जाएंगे क्या जुदा मुआमला। अमीरुल मोमिनीन मोहतरम है या नहीं? मोहतरम। अहले बैत की तमाम शख्सियात मोहतरम है या नहीं? मोहतरम। खूब अमीरुल मोमिनीन की कब्र भी मोहतरम है, हम जाते हैं और कब्र को झूमते हैं, मोहतरम। लेकिन सवाल आप हजरात की खिदमत में है, क्या अमीरुल मोमिनीन की कब्र की मिट्टी शफा की गरज से खा सकते हैं? पहुंच रहे हैं आप हजरात, क्या शफा की गरज से खा सकते हैं? नहीं, फिक्री मसला है, हराम, कोई भी मिट्टी आप नहीं खा सकते। लेकिन जब किस्सा इमाम हुसैन का आता है तो खुदा कहता है हमने इजाजत दी है तुम शफा की गरज से खा सकते हो। ये जुदा मुआमला है इमाम हुसैन के किस्से के साथ, अलग मुआमला, अलग मुआमला। ये जुदा मुआमला है जो इमाम हुसैन के किस्से के साथ खुदा फरमाएगा। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन के पास जो कुछ था इमाम हुसैन ने राह खुदा में कुर्बान कर दिया, खुदावंद मुताल ने अपनी मर्जी से इमाम हुसैन को नवाजा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद की, यानी इंसानियत का थकामुल रज़ा ये इलाही में है। अगर जानना चाहते हैं कि कौन इंसान कितना बुलंद बाला है तो जाएं देखें उसके अंदर सब्र का मादा कितना है, उसके अंदर हलम कितना है, वो कितना खुदा की रज़ा पे राजी है, वो कितना खुदा की रज़ा पे राजी है। इससे आप इंसान की हकीकत पहचान सकते हैं। कुरान मजीद में जाएं, एक मकाम है कि जिसका हर काम खुदा की रजा के लिए हो और गजब खुदा के गजब के लिए हो, वो जात हमें एक ही मिलती है कि जिसके बारे में खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में मोहर लगा दी और फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। और इस जात और इस कैफियत को उलमा व फुकहा ने इस्मत कुबरा खातिरी से मुलक्कब किया है कि ये इस्मत कुबरा है और हर किसी के लिए नहीं बल्कि खातिरी है, यानी ये पैगंबर अकरम की इस्मत है। बस जुमला भगा तक पहुंचाता चलूं, जो पैगंबर अकरम की इस्मत है ये गैर अज इस्मत नूह मूसा ईसा इब्राहिम यूनुस याकूब उनकी इस्मत अलग है, ये इस्मत खातिमी के जिसका जिक्र खुदा ने किया ये इस्मत अलग है, जुदा है। यानी यर्दा लिगज़ब रब व यग़ज़िबु लिगज़ब रब के जिसका हर काम
खुदा की रजा के लिए हो और गजब खुदा के गजब के लिए हो, ये तन्हा ज़ात ख़ात नहीं है। अच्छा जनाब यूनुस का किस्सा देखिए, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جناب نوح جناب یونس اپنی قوم سے پریشان ہوں گے, جب بہت ستایا تو غصے میں غیظ و غضب میں اپنی قوم سے چلے گئے, اللہ الہ الا انی کنت من الظالمین, سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ جناب یونس کے جملات ہیں۔ اسی طرح سے جناب یوسف کا قصہ دیکھیں, لولا ان رآ برہان ربہ, اگر خدا کی طرف سے ہدایات نہ ہوتی تو ایسا کا ویسا ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے جناب یوسف نے فرمایا اذکرنی عند ربک, اپنے رب کے پاس جانا اور ہماری سفارش کرنا, جناب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یوسف تمہارا رب کون ہے, تمہیں کس نے کھلایا, تمہیں کس نے پھلایا, تمہیں کس نے پروان چڑھایا, تمہیں کنویں سے کس نے نکالا۔ جناب یوسف فوراً متوجہ ہوئے خدا کی بارگاہ میں گری اوزاری کی, یہ کس کی عصمت ہے, جناب یوسف کی عصمت ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ دو عصمتوں سے آپ متوجہ ہو گئے, ایک عصمت خاتمی ہے اور دوسری عصمت انبیاء ہے۔ عصمت خاتمی کیسی کہ جس کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا, وما ينطق عن الهوى, جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا, جس نے رضائے الہی کو اتنا خرید لیا ہے, جو رضائے الہی میں اتنا محب ہو گیا ہے کہ اب اس کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے, یہ عصمت خاتمی ہے۔ اور یہ عصمت فقط و فقط رسول اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ عصمت کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یرضا لرضا الرب, کہ یہ راضی ہے خدا کی رضا میں۔ عصمت خاتمی کون سی عصمت ہے, عصمت کبرا کون سی عصمت ہے, جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو, اللہ کے غضب پہ غضبناک ہو۔ اسے کیا کہا جاتا ہے, عصمت کبرا یا عصمت خاتمی۔ لیکن انسان جب اس سے بلند بالا ہوتا ہے, جب خدا اس سے بڑا کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے ان اللہ یرضا لرضاک, خدا آپ کی رضا پہ راضی ہے, آپ کے غضب میں غضبناک ہے۔ اس طرف تاثیر رضا و غضب خدا کی طرف سے تھی, اس طرف تاثیر فاطمہ زہرا کی طرف سے۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی, جس سے فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے۔ عظمت ہے جناب سیدہ کی, مع الاسف الشدید ہم جناب سیدہ کی عظمتوں سے غافل ہیں, ہمیں کنہ معرفت کا اندازہ نہیں جناب سیدہ کیا عظیم شخصیت ہے۔ یہاں تک آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا, اب چلتے ہیں احقاق حق فاطمہ کی طرف۔ نتیجہ آپ حضرات کے حوالے, رضا کی بحث ختم ہو گئی, اب غضب کی بحث کیا۔ یہاں فقہی مسئلہ ہے یقیناً, جو روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا, روایات معتبرہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, وہ مشہور معروف ہے۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بس تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دربار میں تشریف لائیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا, حق کا مطالبہ کیا۔ سامنے جو خلیفہ بیٹھا ہوا تھا حق دینے سے انکار کیا اور رسول اللہ کی کچھ ایسی احادیث سنائی کہ جن کی نسبت یا جن کا تعلق رسول کی طرف نہیں تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی بحث کی جائے گی۔ فی الحال لفظ موجود ہے صحیح بخاری میں, فوجدت فاطمہ علی ابی بکر, لفظ ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول پہ غضبناک ہوئی۔ یہ روایت ہے اور اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں, آپ لوگ بھی بالکل نہ گھبرائیں, یقیناً یہ احقاق حق فاطمہ, یہ احقاق حق فاطمہ ہے۔
ना मैं अपनी किताबों से बयान कर रहा हूं और ना अपने इस्तदलालात आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं, बल्कि मैं मुखातब हूं फिलहाल एक अहले सुन्नत फकीह से, एक अहले सुन्नत फकीह से जो हमारे भाई बरादर मोहतरम से मुखातब हूं और उनके खिदमत में एक इस्तदलाल पेश करूंगा और उनसे कहूंगा नतीजा आप खुद निकालें। रिवायत आपने सुन ली, किससे रिवायत है? बीबी आयशा से, जिन्होंने फरमाया कि जनाब सैयदा नाराज हुई एक साहब से, जो लफ्ज सही बुखारी की रवायत में मौजूद है। खूब, हम अब एक सुगरा बनाएंगे, एक कुबरा बनाएंगे, फिर नतीजा। हमारे इस कजिये कयास की सुगरा क्या है? जनाब सिद्दीका किसी से नाराज हुई, यानी खलीफे अव्वल से जनाब सिद्दीका नाराज हो गई, ये हमारी सुगरा। अब आइए कुबरा की तरफ। समझ में ये आता है कि सुगरा सुन्नत है, सुगरा हमारी सुन्नत है। फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। ये तो साबित हो गया कि किसी ने फातिमा को नाराज किया, अब इसी का नतीजा हो गया सुगरा, यानी किसी ने फातिमा को नाराज किया। ये कुबरा सुगरा हमारी क्या हो गई? सुन्नत, हदीस नबवी, फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी। अब आइए कुबरा ये कयास की तरफ। हमारे इस कयास की कुबरा क्या है? कुरान मजीद की आयत, कुरान में खुदावंद मुताल फरमा रहा है, वमन यहलिल अलैह गज़बी फकद हवा, और जिस पे हमारा गजब तारी हो जाए वो गुमराह है। मैं नतीजा नतीजा हजरात की खिदमत में, फिर इस्तदलाल है सुगरा। रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा मेरा बारे तन है, मेरा जिगर है, मेरा गोशा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया, ये हमारी सुगरा। अब आप हजरात तारीख से बखूबी वाकिफ है कि किसी ने फातिमा को नाराज किया, ये हमारी सुगरा हो गई। कुबरा क्या है? खुदा ने क्या फरमाया? और जिस पे हमारा गजब हुलूल कर जाए वो गुमराह है। अब नतीजा आप निकाले, तारीख में है कौन गुमराह? से मुखातब नहीं हूं, बरादरान की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आप फकीह है ना, आपके हवाले नतीजा। अब आप या तो सुगरा के मुनकिर हो जाए और कह दें कि हमें सहीह बुखारी से कोई मतलब नहीं, या इस रिवायत से हमें कोई मतलब नहीं, इस हदीस से हमें कोई मतलब नहीं, तो यकीनन आपने बुखारी और मुस्लिम का फातिहा पढ़ दिया। अगर आपने ये कह दिया कि भाई हमें इस हदीस से कोई मतलब नहीं है, हमें इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बोले आपने बुखारी का फातिहा पढ़ा। अब मैं उन लोगों से मुखातब हूं और उन लोगों के सामने इस्तदलाल पेश कर रहा हूं जो दिन में 10 मरतबा सूरह फातिहतुल किताब पढ़ते और कहते गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपका तो दावा ये है ना, आप तो खुदा के सामने कहते परवरदिगारा उन लोगों के रास्ते से बचा कि जिस पे खुदा का गजब हुलूल कर चुका है। आप ये कहते ना उन लोगों के रास्ते से बचा कि जिन पे खुदा का गजब हुलूल कर चुका है। अब या तो आप सुन्नत के मुनकिर हो जाए, अगर आपने सुन्नत का इनकार किया, फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी का इनकार किया, तो गोया आपने सहीह बुखारी और मुस्लिम की अहानत की है, उनका फातिहा पढ़ दिया। या आप कुरान के मुनकिर हो जाए और आप कहते ये जो कुरान की आयत करीमा है हम इसे कबूल नहीं करते, यानी जिससे खुदा नाराज हो जाए वो गुमराह आदमी है, ऐसा नहीं है। या आप सुन्नत के मुनकिर हो जाए, या आप कुरान के मुनकिर हो जाए, या तीसरा रास्ता और है। तीसरा रास्ता ये है कि सुन्नत के भी दामन को थाम ले और कुरान के भी दामन को थाम ले और बेवकूफ की बातों को बेवकूफाना बातें कह के आगे बढ़ जाए।
استدلال ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ ایسے ہی ویسے آپ کا خیال ہی پڑھ گئے. پھر اس کے بارے میں خدا بندہ متعال نے قرآن مجید میں سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بھائی گدھوں کا کوئی معیار تو ہوتا نہیں ہے، کوئی معیار تو ہوتا نہیں، معیار ایک انسان عاقل کا ہوتا ہے. اگر آپ انسان عاقل ہیں تو اپنا ایک معیار رکھیں، اپنی ایک میزان رکھیں، اس میزان پہ تمام چیزوں کو تولیں. دین بغیر کسی معیار و میزان نہیں چلتا، دین کی ایک میزان ہے، ایک معیار ہے، اور اس میزان کا نام ہے علی ابن ابی طالب کی ذات. ابن ابی طالب کی ذات، یہ جو ہم کہیں میزان ہے، میزان ان کے ہاتھوں میں ہے، صراط ان کے ہاتھوں میں ہے. ایسا نہ سوچیں کہ امیر المومنین ترازو لے کے کھڑے ہوں گے روز محشر اور تولیں گے بھیا کون کتنے پانی میں اور کون کس کے پاس کتا ہے، اور کہیں گے بھیا آپ جنتی ہو آپ جہنمی نہیں ہو. جان امیر المومنین کے پاس میزان نہیں ہے، امیر المومنین کے پاس میزان پہ تسلط و احاطہ نہیں ہے، بلکہ خود علی کی ذات میزان ہے. یعنی علی کے ذریعے لوگوں کو تولے، کیسے تولے؟ اب دیکھیں جس کے دل میں علی کے لیے محبت و ولایت ہے گویا وہ علی والا ہے، اور جس کے دل میں علی کے لیے محبت و ولایت نہیں ہے جہنم کی مہر اس کے سینے پہ لگی. علی کی ذات اور یہ خام خیالی کسی خطیب کی خطابت تو ذاکری نہیں ہے، خام خیالی قصہ تو واقعہ نہیں، تاریخ میں جائے انس وغیرہ کے قصہ سنے ہوں گے. انس کہتے کہ بھیا ہم جب زیادہ مستحق ہو جاتے تھے، کشمکش میں پڑ جاتے تھے کہ یہ میرا ہے یا کس کا ہے، یا میرا ہے یا کس کا ہے، ہم کشمکش میں پڑے بھائی کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، تو ہم کاندھوں پہ بٹھا لیتے تھے اپنے سارے بچوں کو، اور علی گزرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو وہ کون ہے. اگر میرا بچہ کہتا تھا کہ یہ علی ہے اور ان سے میری محبت ہے تو میں کہتا تھا تم رک جاؤ، اگر کوئی کہتا تھا میں نہیں جانتا یہ ہے کون کہتا جاؤ اپنے باپ کو تلاش کرو. معیار علی کی ذات خود میزان عمل ہے، علی کی ذات میزان، علی کے ذریعے سے ہم تولیں. ایک صلوات پڑھے محمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات. خلاصہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، احقاق حق باطل میں زہرا. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم جو ہم سے ہو سکے ہم اپنی توانائی کے مطابق، اگر ہم زبان کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچا، اگر خطابت کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں تو خطابت کے ذریعے پہنچائیں، شاعری کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں تو شاعری کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے کلام کے ذریعے سے پہنچائیں. اور خدا بند متعال نے جن حضرات کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنی رقم اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق لوگوں تک پہنچائیں. جس طرح اسلام میں کلام کی ضرورت ہے، منطق کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، ہدایات کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام کو آپ کی مال و دولت کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق زندہ کریں. خلاصے کلام جس سے جو ہو سکے، جس سے جو ہو سکے وہ کریں جناب سیدہ کے راہ میں، جناب سیدہ کا حق اور خدا کا شکر ادا کریں. جس دور میں، جس زمانے میں ہم ہیں فی الحال، جس دور میں ہم ہیں، یہ خدا بند متعال کا خاص کرم اور خاص نعمت ہے کہ آج ہم ممبروں پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کے حق کا دفاع کریں. بہت بڑا جملہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ادا کیا ہے، بہت بڑا جملہ. ویلا میں نے وہ دور دیکھے تو نہیں، یہ پڑھے ہیں جہاں گھروں سے اگر سیدہ کے نام کی آواز آتی تھی تو ان گھروں پہ حملے کر دیے جاتے تھے. بنو عباس کا دور دیکھے، بنو امیہ کا دور دیکھے، بنو امیہ کے دور تک یہ جو فاطمیہ میں تھوڑا بہت اگر اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں یا تھوڑے بہت لوگ مشکوک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد فوراً بنو امیہ کا ایک عظیم تسلط اسلام میں ہوا. امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، رسول کے نواسے کو،
वो रसूल के नवासा जो रसूल की पुष्प पे सवार होता था उसे शहीद कर दिया गया। रोब था, दबदबा था इनका। अब उस रोब और दबदबे में क्या किसी में जुर्रत थी जो जनाब सैयदा के कातिल का नाम है? क्या किसी में जुर्रत थी जो जनाब सैयदा के हक की दिफा करता? और इसी तरह से साफी गुल पैगानी साहब और खामिनाई साहब और इसी तरीके से बहुत सारे मराज इकराम के जिन्होंने अय्याम अज़ा फातिमिया को जिंदा किया। अय्याम अज़ा फातिमिया, यकीनन अय्याम अज़ा फातिमिया को हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है कि हम जिंदा करें, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं। लेकिन खुदाबंद मुताल ने यकीनन अगर आपको वसीला बनाया तो आपकी तौफीकात में जरूर कुछ खास था जो खुदा ने आपको वसीला बनाया। अय्याम अज़ा फातिमिया ये भी ना सोचे कि अभी 100 साल या 50 साल से अय्याम अज़ा फातिमिया उरूस पे नहीं आवाज़। इमाम जाफर सादिक के जमाने में अय्याम अज़ा फातिमिया रवायत के कुछ जुमले इस तरह से मेहनतना बिकरबला, तकरीबन इसी तरह के अल्फाज है कि जिस तरह से करबला का दिन हम पे गुजरा वैसा कोई दिन नहीं है। ला यौम का यौम मेहनतना बिकरबला, जिस तरह से करबला का दिन गुजरा वैसा कोई दिन नहीं है। लेकिन ना भूलिए, ना भूलिए इहराकुल बाब अला अली व फातिमा व फुद्दा व ज़ैनब व उम्म कुलथूम व क़त्ल अल मुहसिन बिर रफसा या बिर रफसा अशद व अदहा। बेशक करबला जैसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन एक दिन में हमारे सबको शहीद कर दिया, लेकिन ना भूलिए अली फातिमा हसन हुसैन फिर्दौस ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहिम अजमईन पे दरवाजा जलाना, उन पे दरवाजा गिराना अशद तल्ख तर है, शदीद तर है करबला से, करबला से शदीद तर है। दरवाजा जलाया जाना करबला से शदीद तर है। अय्याम अज़ा फातिमिया की नेमत से हम बेखबर हैं। मैं एक नुक्ता और बयान करता चलूं ताकि हमारे जवान अय्याम अज़ा फातिमिया की हकीकत से आशना हो सके। यकीनन जनाब सैयदा की ज़ात से आशनाई मुहाल है, मुश्किल है, लेकिन इन अय्याम से एक वाकफियत हासिल कर सकते। जनाब सैयदा की शहादत की तासीर आपको बताऊं क्या है? पूरी जिम्मेदारी के साथ बंदे हकीर ये जुमला आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर रहा है, अगर आज हम मेंबरों से अली अली कर रहे हैं, अगर मेंबरों से मजहब जाफरिया की तबलीग कर रहे हैं, अगर हम मिंबरों से अदालत अलवी बयान कर रहे हैं, तो ये जनाब सैयदा की शहादत की देह। जो अफराद मेरा जुमला समझ गए समझ गए, जो नहीं समझे मैं समझा रहा हूं, जनाब सैयदा की शहादत की देह। अगर जनाब सैयदा की शहादत ना होती, जनाब सैयदा अगर मीरास के मसले पर इख्तलाफ ना करती, एहतजाज ना करती, तो ये जो फिक्र अली आज हमारे दरमियान है, ये फिक्र अली वहीं महदूद रह जाती। ये फिक्र अली हम तक नहीं पहुंचती, लोगों को पता नहीं चलता। रसूल के बाद दो मक्तबे फिक्र थे, एक मक्तबे फिक्र खुलफा के हाथों में था और दूसरा मक्तबे फिक्र के जिसके बानी अली इब्ने अबी तालिब। ये जनाब सैयदा की शहादत ने उजागर किया। पहला बाज अफराद कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि हम तक ना पहुंचता कि वहां दो फिक्रें थी, जिया का मुमकिन
मुमकिन था, उसकी असल वजह है इनका दबाव, इनका दबदबा इतना ज्यादा था कि किसी में जुर्रत ना थी जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता, किसी में जुर्रत ना थी। बहुत सारे किस्सात हुए, जनाबे उम्मे सलमा का एक साल से ज्यादा शहरिया बंद कर दिया गया, वजीफा बंद कर दिया गया। मुझे तारीख का कोई वर्क दिखाएं कि जहां लिखा हो कि फला साहब ने उंगली उठाई और कहा हो कि भाई ये तो रसूल की जौजा है, आप इनका शहरिया क्यों बंद कर रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं था। एक साहब को शाम में ले जाके खालिद बिन वलीद ने मार दिया, उन्होंने बैअत से इनकार किया था। जब दोबारा वापस आए तो बात चली कि फला साहब को किसी ने मार दिया, फला साहब को किसी ने मार दिया। खालिद बिन वलीद खड़े हुए कि बेवकूफ, किसने कहा किसी ने मार दिया, जिन्नात मार गए कि जिन्नात मार गए, चलो भाई जिन्नात मार गए, जिन्नात मार गए, जिन्नात मार गए। ये दबदबा था इनका, रोब था। और यही वजह है साथ अली ने फरमाया, लो वजदतु 40 नदवी अज़म लना हज़्दुल क़ौम, अगर मेरे पास 40 जवान मर्द होते तो मैं इनके खिलाफ कयाम करता, इनसे लड़ता, अपना हक छीनता। ऐसे नहीं जनाबे अमीर कायनात ने खुतबे शख्सिया पढ़े, खुतबे शख्सिया के जुमलात देखे, सबरतु व फिल हल्क़े क़ज़ा के जुमलात हैं कि मैंने सब्र किया इस हाल में कि मेरे गले में खार है, मेरे आंखों में खार है और मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है, इस हाल में मैंने सब्र किया। ये खार और हड्डी कैसी है, किसी की आंख में कांटा छुप जाए, मौला बताना चाह रहे कि मेरा सब्र किस हद तक था। मैं देख रहा था मेरे मनसब पे कोई खैर बैठा हुआ है, मैं सब्र कर रहा। खुलासे कलाम, जनाब सैयदा की शहादत की अजमत मैंने जैसा कि बयान किया, जनाब सैयदा की शहादत दर हकीकत मोमिन और मुनाफिक के दरमियान हद फासल है, हद फासल जो मोमिन और मुनाफिक की तशखीस करती है। जनाब सैयदा के साथ वो मोमिन, जो इनके साथ नहीं है वो मुनाफिक। जनाब सैयदा की शहादत ने साबित कर दिया, जनाब सैयदा की शहादत ने लोगों के दिलों में एक आग लगाई जिससे जनाब अमीर कायनात का हक जाहिर हुआ। पहला खुतबे फदक देखिए, खुतबे फदक में जनाब सैयदा का गिरिया सिर्फ इस बात पे नहीं है कि फदक छीन लिया गया, मेरे बाबा की मीरास छीन ली गई, बस एक दो जुमले मौजूद है बस, कि आप लोगों के सामने मेरे बाबा की मीरास छीनी जाती रही है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, एक जुमला। लेकिन खुतबे फदक को अगर आप पढ़ें तो आप खुद मलाहजा करेंगे, जनाब सैयदा ने यह तुरानी खुतबा आखिर दिया किस वजह से और किस मौकों पर। तो आप जाएं देखें किस तरह से जनाब सैयदा का हदफ व मकसद सिर्फ और सिर्फ एहकाम के हक पे अली जुबन अबी तालिब था, जिन्होंने खुतबे फदक और इसी तरह अंसार और मुहाजिरीन के दरवाजे पे जा जाके सिर्फ एक जुमला, क्या तुम खबीर में थे, क्या तुमने देखा मेरे बाबा ने अली के हाथों को बुलंद करके फरमाया, मन खुन च मौला फहादा अली जुन मौला। जनाब सैयदा ने अली के हक को जिंदा किया। ये जो बहसे इमामत, ये जो राह इमामत आज तक चलती चली आ रही है, हमारा आखिरी इमाम पर्दे खैर, इस आखिरी इमाम तक का ये पूरा सिलसिला हमसे कुर्बानियां तलब करता है, राह इमामत और विलायत में कुर्बानी, और इसकी शाहिदा और गवाह और नमूने अमल के तौर पे जनाब सैयदा ने जो कारनामा अंजाम दिया, यकीनन राह विलायत राह अली की पहचान, जिन्होंने अपनी कुर्बानी के जरिए अली के हदफ को महफूज किया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश करके, जिन्होंने जुल्म सितम सहे सिर्फ इसलिए ताकि अली महफूज रहे। मैंने कहा अली जान, लोग आगो लकड़ियां लेके आ रहे हैं, मौला लोग आगो लकड़ियां लेके आ रहे हैं, मौला
लोगों ने आपका हक छीन लिया, मगर आप क्या कर रहे हैं? अजब की तारीख ने जवाब दिया, अली कुरान की जमावरी में मसरूफ है, अली कुरान को जमा कर रहे हैं। मैं कहूंगा मौला आप कुरान तो जमा फरमा रहे, लेकिन सूरह कौसर इसी कूचे में जख्मी पड़ी। अली जान सूरह कौसर इस कूचे में, इस गली में जख्मी पड़ी है, जरा सूरह कौसर को संभाले। बस चंद जुमले जनाब सैयदा की मजमूनियत के चंद जुमले, रिवायतों के जुमले, शहादतें आपने बारहा सुनी, रिवायतों के जुमले हैं। जनाब सैयदा दरबार में गई, जनाब सैयदा को यह मालूम है आखिर मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, मैं नबी की बेटी हूं, किसी में मजाल जो मेरी बात टाल दे। जनाब सैयदा आजिम सफर हुई, दरबार में पहुंची, रिवायतों के जुमले हैं। जनाब सैयदा ने अपने हक का मुतालबा किया, जालिम चादर बागिया ने मदीना ने हक जहरा से इनकार किया। बस जुमला देखे, तारीख का सबसे सख्त जुमला तो जनाब सैयदा से कहा गया। जनाब सैयदा से अजब नहीं वो जालिम हाकिम कहता है, फातिमा तुम दावेदार हो, ये तुम्हारी मीरास है, ये तुम्हारी जमीन है, ये फतक तुम्हारा है, जरा गवाह तो पेश करो। अरे हाय सैयदा, जो नबियों की नबूवत की गवाह हो, जो आदम की नबूवत की गवाह हो, जो नूह की नबूवत की गवाह हो, उससे कहा जा रहा है तुम फतक की गवाही के लिए, उससे कहा जा रहा है तुम गवाह पेश करो। अजब नहीं, जनाब सैयदा ने हसन हुसैन के हाथों को पकड़ा और फरमाया मेरा एक गवाह ये है, दूसरा गवाह ये है, हाय गवाह भी तो देखो, जन्नत के जवानों के सरदार। रिवायतों के जुमले हैं, जालिम ने एक खपी मामला किया और जनाब सैयदा के हाथों में वो औराक दिए। जनाब सैयदा ने उस सनद को, उन औराक को लिया, घर की जानिब रवाना हूं। रिवायतों के जो अल्फाज है, एक गली में आया, आने के बाद लईम ने जनाब सैयदा को रोका और कहा ये क्या है कि मेरे और उसके दरमियान मामला हो चुका है, फदक मुझे वापस कर दिया गया है। रिवायतें बतलाती है लईम ने जनाब सैयदा के हाथों से सनद छीन ली। अब जब जनाब सैयदा ने सनद देने से इनकार किया, मैं कैसे बयान करूं, सादात अपने कलेजों पे हाथ मारे, ربنا بقضائه وتستمع.
پر بنے گا قوم زمانے کے ظہور میں تعجیب فرما اللہم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره پروردگارا ہمارے ان آنسوں کو روما لے سیدہ جگہ عطا فرما پروردگارا ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے شکستہ پہلوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے جلتے ہوئے دروازے کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا تجھے واسطہ ہے غربت امیر مؤمنین کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارا ہم سب کے تمام نیک توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگارا ہم سب کے تمام مشکلات کو حل فرما ہمارے علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھ پروردگارا جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی پروردگارا اس مجلس کا ثواب اور ہمارے ان آنسوں کا ثواب اس مرحوم کے نام اعمال میں لکھ دے پروردگارا مرحوم کے جو بھی گناہ نے صغیرہ و کبیرہ ہیں انہیں معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام نے جگہ عطا فرما آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد میاں زیدی ابن سید آزادہ اور حسین زیدی کے روح کو احسان فرما بسم اللہ